हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज आप ले आए हैं बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक, कक्षा में शिक्षक की भूमिका, या फिर आप इसको कह सकते हैं कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र में शिक्षक की भूमिका। इसके ऊपर जो है ये वीडियो आज लेकर के आए हैं। इसमें जो है टॉपिक कवर किए जाएंगे छात्र शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, शारीरिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, इसके साथ ही समावेशी शिक्षा की जो भूमिका है वो भी इसमें जो है कवर की जाएगी। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम में टीचर्स का जो है रोल क्या होना चाहिए, प्लस एक इफेक्टिव क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है जो विद्यार्थी है वो अच्छे तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को पूरी करके कुछ चीज़ सीख सके। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी काफ़ी आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अगर अभी आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टीचर भर्ती संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई और चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों तक वीडियो पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कक्षा में शिक्षक की भूमिका या कक्षा का जो प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम जो कि आपके सिलेबस टॉपिक में दिया हुआ है क्या है। सबसे पहले तो जान लें कि कक्षा में जो प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र में शिक्षक की जो भूमिका होती है, ठीक है, यानी कि रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव क्लासरूम, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम जो है आपका, उसमें आप क्या क्या चीज़ जो है जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लगभग 9 पॉइंट जो है कवर किए जा रहे हैं, जिसमें आपको कक्षा का भौतिक वातावरण, कक्षा का जो है क्या करना होगा, भौतिक वातावरण पता चलेगा और इसके साथ ही आपको पता चलेगा कक्षा का भौतिक वातावरण और शैक्षिक सामग्री और संसाधन। ठीक है, शैक्षिक सामग्री और संसाधन पता चलेगा। और तीसरे नंबर पे आप जानेंगे शिक्षक की भूमिका, चौथे नंबर पे पता चलेगा छात्रों की भागीदारी, फिर पाँचवें नंबर पे प्रौद्योगिकी का उपयोग, छठे नंबर पे मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, सातवें नंबर पे माता पिता और समुदाय की भागीदारी, आठवें नंबर पे समावेशी शिक्षा और नवें नंबर पे कक्षा प्रबंधन के बारे में जो है हम जानेंगे। और इन सबको मिला करके क्या मिलता है, एक आपका इफेक्टिव क्लासरूम। ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम मिलता है जहाँ पर अच्छे तरीके से शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाती है। ये 9 पॉइंट्स जब आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है, या 9 पॉइंट्स को जो है मेंटेन कर लिया जाता है, तो आपको एक इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम देखने के लिए मिलता है, जिसमें टीचर और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों अच्छा रोल प्ले करके एक अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कक्षा का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह एक जटिल और परस्पर निर्भर प्रणाली है। ठीक है, कठिन भी होता है, काफ़ी कठिन होता है क्लासरूम में पढ़ाना बच्चों को, किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनका अधिगम जो है सही तरीके से हो सके। तो एक जटिल होता है परस्पर निर्भर प्रणाली। परस्पर निर्भर प्रणाली का मतलब होता है कि छात्र और शिक्षक आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं। यानी शिक्षक जो है छात्र पर डिपेंडेंट होता है और छात्र शिक्षक पर डिपेंडेंट होता है। शिक्षक डिपेंडेंट होता है प्रतिक्रिया के लिए, ठीक है, और छात्र डिपेंडेंट होता है लर्निंग के लिए। तो जिसमें छात्र, शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, शारीरिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक शामिल होते हैं। एक प्रभावी कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्रों को सीखने और उनके समझ को या विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। और ये जो नोट्स आपके सामने हम लेकर आए हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं, उनके महत्व, उन्हें प्रभावी बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेगा। यानी कि इस वीडियो में जो है डिस्कशन जो करने वाले हैं कि एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए और किन किन चीज़ों का उसको सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो बहुत सही तरीके से की जा सके। ठीक है, तो एक एक चीज़ को देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो है कक्षा का भौतिक वातावरण। पहला पॉइंट आपका आएगा कक्षा का भौतिक वातावरण। कक्षा का जो भौतिक वातावरण होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लासरूम सही है तो क्वालिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि लोग सरकारी स्कूल की तरफ ना जा करके प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा डालते हैं। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जो कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, क्लासरूम का जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, वो पढ़ने योग्य होना चाहिए। यानी कि इसमें जो भौतिक वातावरण, जो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन जो होता है वो सही होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भौतिक वातावरण का शिक्षा के गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक सुव्यवस्थित और प्रेरक भौतिक वातावरण छात्रों के ध्यान और सीखने की क्षमता को क्या करता है,
बढ़ाता है। ठीक है, अब जो है कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है, यानी कौन कौन से तत्व होने चाहिए क्लास में फिजिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले होता है कि प्रकाश की व्यवस्था। प्रकाश की व्यवस्था जो है प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश का संयोजन दोनों होना चाहिए। ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक प्रकाश दोनों जो है सही तरीके से क्लासरूम में आना चाहिए। फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। पहला आता है प्रकाश व्यवस्था, दूसरा आता है सिटिंग अरेंजमेंट। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो छात्रों के समूह या अकेले बैठने और शिक्षक के संपर्क में होने की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों के समूह, अकेले बैठने और शिक्षक के संपर्क में होने की व्यवस्था होनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके का होना चाहिए। तीसरे नंबर पर साफ़ सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचाव हो सके और बच्चों को और शिक्षक को भी साथ में स्वस्थ वातावरण जो है मिल सके। इसके साथ ही जो है क्लासरूम में शैक्षिक उपकरण, ठीक है, शैक्षिक उपकरण होने चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर आदि, ताकि लर्निंग प्रोसेस सही से इजीली कंप्लीट हो सके। कोई जटिल क्वेश्चन आता है तो उसको इजीली जो है शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से जो है समझाया जा सके। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि कक्षा का भौतिक वातावरण जो है किस प्रकार आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में दीवारों पर रंगीन चार्ट्स और छात्रों के कार्यों की प्रदर्शनी जो है आप लगा सकते हैं। कॉलेज की कक्षा में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का उपयोग होता है जिससे छात्र बेहतर तरीके से प्रस्तुतियों को समझ सकें। तो ये है फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शैक्षिक सामग्री और संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? शैक्षिक सामग्री और संसाधन। शैक्षिक सामग्री और संसाधन में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री छात्रों की ज्ञान वृद्धि और समझ को गहरा करती है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री छात्रों की ज्ञान वृद्धि और समझ को गहरा करती है, यानी कि आपके क्लासरूम में शैक्षिक सामग्री और संसाधन होनी चाहिए ताकि जो शिक्षार्थी जो बैठा है, जो स्टूडेंट बैठा है, उसको जो है ज्ञान में वृद्धि हो सके और वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब इसमें प्रकार कह रहे हैं कि शैक्षिक सामग्री और संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब मिनिमम क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चाहिए होती, तो चार चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। चार चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें और नोट्स इस तरीके के होने चाहिए जिससे विषय की विस्तृत जानकारी शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को मिल सके। दूसरा है ऑडियो विजुअल सामग्री होनी चाहिए, यानी कि वीडियो या पॉडकास्ट या कोई भी ऐसी डिवाइस जो ऑडियो विजुअल हो, देख भी सकें, सुन भी सकें, ताकि अच्छे तरीके से वो ग्रहण कर सकें। तीसरा होता है ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि ई पुस्तकें या ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना चाहिए। प्रयोगात्मक सामग्री होनी चाहिए, यानी प्रयोगशाला उपकरण और मॉडल होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे गणित के लिए आपको जियोब्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। गणित सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? जियोब्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है किया जा सकता है। और विज्ञान की कक्षा में छात्रों को प्रयोगशाला में रसायन विज्ञान के प्रयोग करने के लिए उपकरण मुहैया करा सकते हैं। तो शैक्षिक सामग्री और संसाधन जो है अगर सही तरीके से उपलब्ध हैं तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अच्छा समन्वय बनता है और शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक कक्षा का क्या होता है? मुख्य स्तंभ होता है और उनके शिक्षण कौशल का सीधा प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है, टीचर्स का जो रोल होता है क्लासरूम में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है सीधे सीधे स्टूडेंट पर पड़ता है और उसके एजुकेशन पर। अब शिक्षक का जो प्रभाव या भूमिका होती है उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक में कुछ गुण हो, कुछ क्वालिटी हो, ताकि छात्र उससे प्रभावित हो सके। तो यहाँ पे मेन रूप से चार क्वालिटी बताई गई हैं। मेन रूप से, मुख्य रूप से मिनिमम चार क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। पहला है विषय ज्ञान, दूसरा है शिक्षण पद्धतियाँ, तीसरा है प्रेरणादायक और चौथा है प्रबंधन कौशल। तो विषय ज्ञान, शिक्षक का जो विषय ज्ञान होना चाहिए वो गहन होना चाहिए और अद्यतन यानी अपडेटेड होना चाहिए। शिक्षण पद्धतियाँ जो शिक्षक इस्तेमाल करता है वो इंटरेक्टिव और नवीन होनी चाहिए। ठीक है, प्रेरणादायक शिक्षक का व्यवहार या आप कह सकते हैं व्यक्तित्व किस तरीके का होना चाहिए कि छात्रों को प्रेरित कर सके और उनको आत्मविश्वास को बढ़ा सके। तो शिक्षक जो है प्रेरणादायक होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। प्लस प्रबंधन कौशल, शिक्षक को जो भी समय, संसाधन, कक्षा की व्यवस्था का प्रबंधन के लिए मिलता है उसको मैनेजमेंट की जो है क्वालिटी होनी चाहिए, उनको अच्छे तरीके से प्रबंधन कर सके। जो रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके अच्छे तरीके से टीचिंग की जानी चाहिए, ये प्रबंधन कौशल कहलाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके उत्तर स्पष्ट रूप से देते हैं। अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है और उनके उत्तर जो है स्पष्ट रूप से आपको प्रोवाइड करा दें।
समूह गतिविधियों का आयोजन करते हैं जिससे छात्रों में सहयोग और संचार कौशल विकसित हो सके। तो ये शिक्षक की भूमिका जो है क्लासरूम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद जब शिक्षक एक्टिव है, क्लास अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो चौथा जो है जिम्मेदारी बन जाती है स्टूडेंट्स की। चौथी जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्टूडेंट्स की। तो छात्रों की भागीदारी, तो इफेक्टिव क्लासरूम में जो है छात्रों की भी भागीदारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब छात्रों की भागीदारी का मतलब होता है सक्रिय भागीदारी, से उनके सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। छात्रों की जो भागीदारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वे जो है उनकी जो है सीखने की प्रक्रिया वो सुधर सके और वो इंडिपेंडेंट बन सकें। अब तरीके क्या हैं छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के? तरीके क्या हैं क्लासरूम को एक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहला है, इसमें तीन तरीके बताए गए हैं। पहला है प्रश्नोत्तरी और चर्चाएँ, दूसरा है समूह परियोजनाएँ, तीसरा है स्वयं अध्ययन। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं का आयोजन करना चाहिए ताकि छात्रों को विचार व्यक्त करने और बहस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकें, ठीक है। फिर दूसरा है समूह परियोजनाएं जो हैं शुरू करनी चाहिए ताकि उनमें सहयोग और टीमवर्क की भावना आ सके, और स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करने का मतलब होता है कि बच्चों को जो है आप अनुसंधान और आत्ममूल्यांकन का समय दें, या इस तरीके की जो है परियोजनाएं दें ताकि वो अनुसंधान कर सकें और खुद का अपना सेल्फ जो है इवैल्यूएशन कर सकें। तो ये छात्रों की भागीदारी को जो है क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ये तीन तरीके छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और उनकी इससे सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है, ठीक है। उदाहरण से समझ लेते हैं छात्रों की भागीदारी को। छात्रों को क्लास प्रोजेक्ट के लिए समूह में काम करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर कक्षा में नियमित रूप से चर्चा सत्र आयोजित होते हैं जहां छात्र अपने विचार और प्रश्न साझा कर सकते हैं, और इस तरीके से आप छात्रों की जो है सक्रिय भागीदारी उनके सीखने की प्रक्रिया में जुड़वा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग। नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग। टेक्नोलॉजी शिक्षा को क्या करती है? अधिक सुलभ और प्रभावी बनाती है, और इसके लिए कुछ उपकरण बताए गए हैं। तीन उपकरण यहाँ बताए गए हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे आजकल उपकरण हैं, लेकिन मिनिमम बेसिक जो तीन उपकरण हैं वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, शैक्षिक ऐप्स एजुकेशनल ऐप्स प्रोवाइड कराना, या डिजिटल उपकरण जो है बच्चों को प्रोवाइड कराना। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जूम है, गूगल क्लासरूम है, इनके माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे आजकल माध्यम चले हैं जहाँ से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा एजुकेशन को जो है बच्चों को सुलभ बना सकते हैं। शैक्षिक ऐप्स से एजुकेशनल ऐप्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका जो है ड्यूओलिंगो है या खान अकेडमी है जहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं, आजकल यूट्यूब पे लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना, लैपटॉप या टैबलेट प्रोवाइड कराया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम चला करके इन लोग बच्चों को यह लैपटॉप टैबलेट जो है प्रोवाइड कराती है। उदाहरण से समझते हैं कि कक्षा में लैपटॉप का उपयोग नोट्स बनाने और शोध करने के लिए बच्चा कर सकता है, ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके घर से ही वो पढ़ाई कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया क्लासरूम में जो है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया को मापने का व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया छात्रों की प्रगति को मापने और सुधार के क्षेत्र की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब इसमें क्या है? अब इसमें जो है टीचर को इस तरीके से टीचिंग प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि वो बच्चों का मूल्यांकन कर सके उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर। इसमें भी तीन बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, तीन प्रकार से जो है मूल्यांकन बच्चों का किया जा सकता है, प्रारंभिक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन और समाप्ति मूल्यांकन। तो प्रारंभिक मूल्यांकन में कह रहे हैं कि कक्षा की शुरुआत में छात्रों की मौजूदा जानकारी का मूल्यांकन करना चाहिए सबसे पहले। प्रारंभिक मूल्यांकन में क्या होता है? कक्षा की शुरुआत में छात्रों की मौजूदा जानकारी का मूल्यांकन करना चाहिए। निरंतर मूल्यांकन मतलब होता है छोटे छोटे टेस्ट या असाइनमेंट बच्चों को दिए जाने चाहिए, जैसे आप देखते हैं ना सेमेस्टर वाइज आजकल प्राइवेट स्कूल में पेपर चलते रहते हैं, वो छोटे छोटे टेस्ट का ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। उसके बाद जो है समाप्ति मूल्यांकन, जिसको आप फाइनल या एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं। तो सेमेस्टर के अंत में एक एनुअल एग्जाम या अंत में परीक्षा लेकर के आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के तीन स्टेप बता दिए गए हैं, प्रारंभिक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन और समाप्ति मूल्यांकन। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे नियमित क्विज और असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों की प्रगति की जाँच कर सकते हैं, छात्रों को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देना और सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माता पिता और समुदाय की भागीदारी। माता पिता और समुदाय की भागीदारी ये भी जरूरी है कि छात्रों की जो शिक्षा सकारात्मक रूप से हो सके, और इस पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वातावरण का बच्चे के ऊपर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और लोग कहते हैं कि परिवार जो है प्राथमिक पाठशाला होती है बच्चे की, और उसके बाद बच्चा जो है समाज या वातावरण समुदाय से सीखता है। तो यहाँ पर माता पिता और समुदाय की भागीदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इफेक्टिव क्लासरूम को बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? माता पिता और समुदाय की भागीदारी से छात्रों की शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तरीके क्या हैं? तीन तरीके हैं।
माता पिता शिक्षक बैठ के, ठीक है, यानी कि टीचर पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है, यानी पीटीएम जो होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसका आयोजन करना चाहिए स्कूल में, ताकि छात्रों की प्रगति पर चर्चा की जा सके। समुदाय की गतिविधियां चलानी चाहिए, जैसे स्कूल कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनको एनुअल फंक्शन फेट वगैरह बोलते हैं, ये आप कर सकते हैं, ताकि जो है कम्युनिटी से वो जुड़ सकें। फिर स्वयं सेवा, यानी स्थानीय समुदाय के साथ जो है जुड़ाव कंप्लीट कराना चाहिए। उदाहरण, जैसे माता पिता शिक्षक सम्मेलनों में छात्रों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप एक इफेक्टिव क्लासरूम जो है तैयार कर सकते हैं और बच्चा वहाँ अच्छे से सीख सकता है। अगला पॉइंट है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, समान अवसर प्रदान, चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों, कोई मतलब नहीं है, सबको एक समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है आपका, समावेशी शिक्षा कहलाता है, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक पृष्ठभूमि से हों। अब इसमें तत्व तो क्या इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा के लिए, कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र, संवेदनशीलता और समझ, विकलांग छात्रों के लिए रैम और विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ समूह गतिविधियाँ करना, ठीक है। समझते हैं क्या क्या है समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता तो क्या है। तो पहला करें विशेष आवश्यकता वाले छात्र, उनके लिए विशेष संसाधन और सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। संवेदनशीलता और समझ, विविधता के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव पैदा करना चाहिए बच्चों के अंदर। उदाहरण, जैसे विकलांग छात्रों के लिए रैंप और विशेष शैक्षिक सामग्री का प्रबंध किया जा सकता है, ताकि उनके अंदर हीन भावना ना आए। विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ समूह गतिविधियाँ करना, ताकि एक दूसरे को समझ सकें। अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर बच्चों को एक साथ बिठा के सामूहिक गतिविधियाँ करवानी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन, ठीक है, क्लास मैनेजमेंट आता है। क्लास मैनेजमेंट क्या होता है, कक्षा प्रबंधन छात्रों के अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है। और अच्छा कक्षा प्रबंधन, अच्छा क्लास मैनेजमेंट चलाने के लिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है, उनको शिक्षक को बनाना चाहिए। तीन रणनीतियाँ हैं, स्पष्ट नियम और अपेक्षाएँ, दूसरा अनुशासनात्मक कार्रवाई, तीसरा प्रेरणा और प्रोत्साहन। तो पहला जो रणनीति है वो है स्पष्ट नियम और अपेक्षाएँ। कक्षा के नियमों को स्पष्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि वो नियमों का ध्यान रखें और उसका पालन करें। अनुशासनात्मक कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर स्टूडेंट के प्रति उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि वो भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करें। प्रेरणा और प्रोत्साहन, छात्रों को सकारात्मक व्यवहार के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण, जैसे कक्षा के शुरू में ही छात्रों के साथ नियम और अपेक्षाओं को स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्रों को पुरस्कार और प्रशंसा देनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है इफेक्टिव क्लासरूम के सारे जो हैं 9 पॉइंट्स थे, 9 टॉपिक्स थे। अगर इन 9 पॉइंट्स या 9 टॉपिक आप किसी क्लासरूम में उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, उपलब्ध कराने का मतलब है कि इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो एक इफेक्टिव क्लासरूम आप दे सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र छात्रों की शिक्षा और समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसमें भौतिक वातावरण, शिक्षक सामग्री, शिक्षक की भूमिका, छात्रों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी का उपयोग, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, माता पिता और समुदाय की भागीदारी, समावेशी शिक्षा और कक्षा प्रबंधन जैसे तत्व शामिल होते हैं। इन सभी तत्वों का संतुलित और समन्वित उपयोग ही एक प्रभावी कक्षा प्रस्तुति तंत्र का निर्माण कर सकता है, जहाँ पर एक शिक्षक जो है एक शिक्षण प्रक्रिया में अच्छी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।